Zoom Iskoteko. Zoom Iskoteko. अब बात करते हैं किंग खान की, जिन्होंने अमृता अरोड़ा की संगीत पार्टी में पहुंचकर सलमान खान को खूब जलाया। और जब सलमान पार्टी से बाहर निकले तो मीडिया ने उनके जले पर नमक छिड़क दिया और इस बात से सल्लू मियां इतने चिढ़ गए कि अपनी कार का इंतजार किए बिना ऑटो रिक्शा में ही भाग खड़े हुए। आखिरकार हो ही गया बॉलीवुड के दो दुश्मनों का सामना। मौका अमृता अरोड़ा की शादी के संगीत का था। संगीत में मानो पूरा बॉलीवुड ही जमा था, लेकिन फिर भी शाहरुख के यहाँ पहुँचने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। संगीत का मौका था इसलिए लेडीज ही ज्यादा एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इस बार शाहरुख ने गौरी को यहाँ अकेले भेजने के बजाय खुद भी आना ज्यादा बेहतर समझा। कहीं ये मीडिया में उठ रही खबरों का जवाब देने की शाहरुख की कोई चाल तो नहीं थी। शाहरुख संगीत में आए लेकिन सलमान से ना तो मिले और ना ही सलमान के बारे में उन्होंने कुछ कहना बेहतर समझा। I can't explain this. Relationships are much deeper than anything else. And Malaika, Amu, Shakil, they're all very close to me. The whole family is very close to me. I would always do what is the right and the correct thing to do. I'm very happy I'm here and I wish Salman's family, everybody's family, all the best. सुना आपने? शाहरुख के जवाब का तो मतलब निकालना कुछ कठिन है। चलिए कोई बात नहीं, अब यही सवाल सलमान से भी पूछ लेते हैं। अरे ये क्या, सल्लू मियां तो मीडिया पर ही भड़क उठे। अभी उनकी टीज थी या फिर पार्टी का सुरूर, ये तो वो ही जाने। लेकिन पार्टी में भी सलमान कुछ खफा खफा से ही दिख रहे थे। कहीं ये नाराजगी शाहरुख के पार्टी अटेंड करने की तो नहीं थी? ये तो सभी जानते हैं कि सलमान और शाहरुख का झगड़ा कटरीना की बर्थडे पार्टी में हुआ था। तो अब जबकि ये दोनों एक बार फिर अमृता की पार्टी में आए हैं, तो इस पर कैट का क्या कहना था, आइए ये भी जान ही लेते हैं। नो रिएक्शन फ्रॉम कैट, मतलब मामला अब भी उलझा ही है। चलिए कोई बात नहीं, शाहरुख और सलमान यहाँ मिले भले ना हो, लेकिन एक जगह पर दोनों को देखना इनके फैंस को जरूर अच्छा लगा होगा। साथ ही सलमान का कार छोड़ ऑटो रिक्शा में जाना भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर छोड़ गया। चेतना सिंह के साथ मोहित त्रिवेदी, जूम मुंबई।